आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एरे फॉर्मूला कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लगाने का तरीका है। मतलब कि कई सारे सेल की कैलकुलेशन को एक सेल में करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ एरे को, मैं एरे को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल में नंबर्स हैं, मुझे इस नंबर्स पे कई सारे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड बाय 4, इसका 15% निकालना है, फिर मुझे इसमें इसको डिवाइड करना है आपका 5 से, और फिर उसमें प्लस करना है 60, और फिर फाइनल रिजल्ट चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि मुझे मैनुअली क्या करना होगा, सबसे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से सबसे पहले, और फिर इसमें हमें सबों का 15% निकालना होगा, और फिर इन सबको डिवाइड बाय 5, और उसके बाद सब में हम जो है डिवाइड बाय 5, और उसके बाद फिर मुझे सब में 60 ऐड करना है, और फाइनली इन सब का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को यहां सम करना है। तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए, ये सम का रिजल्ट चाहिए जो 252.24 आया, मुझे ये चाहिए। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इतने सारी कैलकुलेशंस करना पड़ा, इतने सारे सेल्स को यूज करना पड़ा। इन सबों को हम एक सिंगल सेल में कर सकते हैं। ऐसे हम सम देंगे, सम के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15% एंड डिवाइड 5 प्लस 60, एक साथ हम सबको लिख दिया। अभी रिजल्ट गलत आया क्योंकि हमने इसमें बोर्ड मास मेथड इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब कि हमें हर कैलकुलेशन को ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। अब सोच लीजिए कि मुझे इस रिजल्ट के लिए नॉर्मल फॉर्मूला के जरिए कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, और सारे कैलकुलेशन को हमने एक सेल में डाल दिया, ये हमारा एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने का तरीका होता है, राइट? अच्छा, एरे सर बोर्ड मास को फॉलो करता है खाली? नहीं, बोर्ड मास लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई किसको करना है, डिवाइड किसको करना है, माइनस किसको करना है, इसके लिए लगाना पड़ेगा। तो सर वो तो फिर अपने आप ही कर लेता, 252 तो फिर सम करके कर ही लेगा। नहीं तो 200 इतनी सारी कैलकुलेशन करनी है ना आपको सर। जैसे मान लीजिए, सुनिए, बोर्ड मास को लगाना होता होता था आपका, कि क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, अब मुझे यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60 है, अब मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ के लिए क्या फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है, कि क्वार्टर 2 मतलब कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट करता है ना सर। यस सर। इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बोर्ड मास को थर्ड नहीं इस्तेमाल करें, तो क्या लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट रिजल्ट वाला है, यहाँ पे 59 आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमें माइनस करना चाहिए था, फिर डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन फॉर्मूला का कंसेप्ट क्या कर रहा है, क्योंकि बोर्ड मास मेथड में पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, देन आपका डिवाइड होता है, फिर माइनस होता है। तो पहले 50 से 50 को डिवाइड कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, गलत था ना सर। लेकिन इसी को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं तो कैलकुलेशन हमारा सही करेगा 20% इंक्रीजमेंट, ग्रोथ 20% का है, इसलिए ब्रैकेट्स में डालना जरूरी है। ठीक है दोस्त नारायण जी। सर एक बार फिर बताइए एरे क्या करेगा फिर इसमें? एरे इसलिए नहीं कर रहा है, एरे बेसिकली क्या कर रहा है, आप सोचिए ना कि मुझे जो कैलकुलेशन करनी थी वो मुझे इकट्ठा इतना सारा कैलकुलेशन,
इन सबों कैलकुलेशन को सर यहाँ एक सिंगल सेल में कर दिया। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एक सेल पे तो कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन कई सारे सेल का लिस्ट है ना सर, इंडिविजुअली 20-40 पे करना है। अगर आप इसको फॉर्मूला में जाके देखें, एबलेट पे, एबलेट करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे 40, 70, 41, 32 है जी सर। इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे मैं इसको एवरेज करूंगा, तब क्या हो रहा है, फिर इन सबको इंडिविजुअली 10% 15% निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ निकला है 6, 10, 15, 28 निकला, फिर इस पे डिवाइड कर रहा है, फिर इसको प्लस कर रहा है 1 by 1, फिर इसका सम निकाल रहा है। चलिए अरे का और एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको, चिंता मत कीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप एरे के कंसेप्ट में एक बहुत ही मजेदार चीज आपको सिखा रहा हूं, जैसे कि मेरे पास नाम है, तो आरती जी आप वी लुकअप जानते हैं? हेलो आरती जी। जी सर। हाँ बच्चा। आरती जी आप वी लुकअप जानते हैं? तो मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, अब आपको याद होगा मैंने वी लुकअप के लिए लिस्टिंग पढ़ाया था, याद है सर? तो यहां पे अगर मान लीजिए मुझे पूजा का वैल्यू चाहिए, तो जनरली हम क्या करेंगे, वी लुकअप चेक करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, और इसमें से पूजा को ढूंढेगा, उसकी सामने वाली वैल्यू को एग्जैक्ट मैच करके देगा। तो ये हमारा पूजा का था, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना था ना, जीरो करना था, यहाँ पे 31 आया, बट मेरे इस डेटा में पूजा कई बार रिपीटेड है, तो मुझे सबकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो वी लुकअप लिस्टिंग से तो हमने यहाँ पे लाया था, लेकिन मुझे चाहिए इस तरह से कि कॉमा 31 कॉमा 61 कॉमा 68 इस तरह से। तो कैसे करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन का, टेक्स्ट ज्वाइन जो यहां पे अगर मतलब कि दो सेल को कॉन्कैटनेट करने के लिए अभी क्या यूज करते थे, कॉन्कैटनेट फॉर्मूला यूज करते हैं ना, कॉन्कैटनेट दो सेल को कौन करता था, एक सेल और दूसरे सेल को आपस में ज्वाइन कर देता था, यहां पूजा नीरज ज्वाइन कर दिया ना, लेकिन पूरी की पूरी रेंज को ज्वाइन करना हो तो उसके लिए होता था टेक्स्ट ज्वाइन सेपरेटर के साथ, क्या सेपरेटर देना है, तो कॉमा देना है और ब्लैंक इग्नोर करना है, हाँ करना है, और उसके बाद हम एक रेंज को लेते थे, ये क्या करता था आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देता था। इसी फॉर्मूला को हम यहां पर लगाएंगे, अब लगाएंगे टेक्स्ट ज्वाइन, कॉमा को लिमिट करना है, जीरो को इग्नोर करना है, और यहां पर मुझे सिर्फ पूजा वाली सेल की डेटा चाहिए। तो हमने कंडीशन दिया यहाँ पे कि इफ पूरी की पूरी सेल की वैल्यू अगर इक्वल टू है आपका पूजा, यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, ऐसा हुआ तो इसकी सामने वाली वैल्यू आ जाए। अब इसको एंटर मारो, इसमें हमें कॉमा ब्लैंक करना पड़ेगा, ब्लैंक को इग्नोर कर देता है। अब बताइए कि इफ के अंदर में जनरली अगर इफ लगाएंगे, इफ में आप सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे ना सर, एक सेल, बट यहां पे इफ के अंदर हमने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, ये एरे कर सकता है। अब इसको एवलेट करेंगे तो आपको यहां लगेगा, यहां से जाएंगे एवलेट फॉर्मूला में, तो यहां देखेंगे कि A2 से A48 को पहले इसने एवलेट किया, फिर आपस में मैच किया, फिर जहां जहां ट्रू आ रहा था वहां वहां पे उसने वैल्यू डाली, बाकी जगह पे ब्लैंक डाला। अब टेक्स्ट ज्वाइन ब्लैंक को इग्नोर करता है, इसने ब्लैंक को इग्नोर करके सबको ज्वाइन कर दिया। तो नारायण जी, कुंदन जी, मैं आपको आ गया सर। तो इस तरह से हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एरे फॉर्मूला कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला का लगाने का एक तरीका है। तो एरे का कंसेप्ट समझ में आया?
जी सर। आगे बढ़े इसमें, चलिए अब यहां पे हम समझाते हैं कि आगे क्या कर कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं, मान लीजिए मुझे लिखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे कट जा रहा है हमें समझ। आरती जी यस सर, इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हैं? या आई हैव सम इंटरनेट एक्चुअली, यहाँ पे मैंने रूम चेंज किया है तो यहाँ पे नेट नहीं आता प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली। तो आप सेलफोन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेलफोन से ज्वाइन करके आप छत वगैरह पे जा सकते हैं। तो जिस हमने वन, यस सर, बीच बीच में कट जा रहा है एक्चुअली। तो आप सेलफोन से ज्वाइन करके छत पे जा सकते हैं। ओके सर, आई विल ट्राई। तो यहाँ पे जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं मैनुअल 1, 2, 3, 5 लिखूं और यहाँ, या फिर यहाँ सेलेक्ट कर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दूं तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है? याद होगा इसका मैंने वीलुकअप में फायदा बताया था, या फिर इसको हम एक और जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, मुझे नेम के हर एक लेटर को एक सेल में स्ट्रैक करना है। तो यहाँ पे एस होना चाहिए, यहाँ पे यू होना चाहिए, यहाँ पे जे होना चाहिए, ई होना चाहिए, टी होना चाहिए और टी होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे मिड का। तो अगर मैनुअल हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि मिड हमने बोला कि पहले से स्टार्ट करो और एक कॉलम को लो, मैंने बोला कि पहले पोजीशन से स्टार्ट करो और उसके बाद वहां से एक लेटर को ले लो, तो रिजल्ट आपके सामने एस आ गया। फिर वापस हमने यहाँ पे मिड का फॉर्म लगाया और बोला कि इसमें जाइए और फिर दूसरे से एक लेटर को ले लीजिए, फिर वापस इक्वल मिड हमने यहाँ पे गए, हमने बोला कि तीसरे से एक को ले लीजिए, वापस मिड हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि चौथे से एक को ले लीजिए, फिर यहाँ पे वापस मिड हमने बोला कि पांचवें से एक को ले लीजिए, और फिर यहाँ पे वापस मिड हमने यहाँ पे बोला कि आप छठे से एक को ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस क्या करना पड़ा मुझे यहाँ पे हर किसी में 1, 2, 3, 4, 5 एक सीक्वेंस देना पड़ा, एक नंबर देना पड़ा। तो क्यों ना हम इसको लगाते समय हम डायरेक्ट दे दें, हम एक बार मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं एरिया को, मिड देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालते हैं और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग फॉर्मूले लगाना पड़ा, बट यहाँ पे हमने एक ही फॉर्मूला लगाया और सभी इसका इनपुट हो गया। ठीक है सर। कुंदन जी, मनोज जी एंड पुष्पा जी, सर ये एक फाइल ये वाला भेज दीजिएगा एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी जब देखिए अभी मैं एरे का जस्ट कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि मैं एरे को यूज क्यों करूं, अभी आपको एरे नहीं समझा रहा हूं मैं, राइट सर। अभी ये सारे एग्जांपल बताने का पर्पस ये है कि हम ये चाहते हैं देखना कि हम एरे यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे, समझे। अब जैसे एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। अब यहां पे मेरे पास दो लिस्ट ऑफ डेटा है, मैं नाम ही ले लेता हूँ इस तरह से, मैं रहा। अब मेरे पास यहां पे पता करना है कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, समझे, अगर सेम सीक्वेंस में सेम है या नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ हम बोलेंगे कि अगर ए इक्वल टू ए है तो यहां पे 1 अदरवाइज 0, फिर नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे और फिर इसका सम लेंगे।
यही करेंगे। लेकिन एरे में क्या करेंगे कि एरे में इसके लिए मुझे 10-11 से यूज करना पड़ा, जिसकी जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे लिखूंगा सम, और सम में मैं बोलूंगा कि ए जो है इसके बराबर है या नहीं है। रिजल्ट अभी जीरो आएगा। अब जीरो क्यों आएगा, तो एरे को समझने के लिए आप उस एरे फॉर्मूला को एवलेट कीजिए यहां फॉर्मूला बार में, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे परफॉर्म कर रहा है और कहां पे गड़बड़ी है। तो यहां पे देखा कि ट्रू 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 आ रहा है। अब सम जो है ट्रू को एक्सेप्ट नहीं करता, कंसीडर नहीं करता उसको, इसलिए जीरो रिजल्ट दे रहा है। लेकिन एक्सेल में अगर आप ट्रू लिखते हैं, मैं यहां पे कोई दिया यहां पे ट्रू, तो मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन बाई मल्टीप्लाई बाई वन करूंगा तो वन आ जाएगा, क्योंकि ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो होता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई बाय वन कर देता हूं और फिर एंटर मारता हूं। रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमने इसमें एरे को परफॉर्म नहीं कराया, क्योंकि एरे परफॉर्म होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। एक मिनट, हमने इसमें बोर्ड मास्क के तौर पर यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखिए क्या हुआ, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर रहा है बाद में इक्वल कर रहा है, समझे। इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल एरे में खासकर आप कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट 9 आ गया। अब क्या किया इसने, पहले इसने आपस में इसको इक्वल किया, फिर वापस जो है उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, तो वन से ट्रू वन होता है तो वन आया। अब मान लीजिए एक नाम चेंज कर देता हूं, यहां पे उदय वर्मा कर देता हूं, जीरो आ गया। तो अब क्या हुआ, एरे ने क्या किया, जहां पे फॉल्स था वहां पे जीरो दिया, क्योंकि हमने भी बताया आपको कि ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो होता है। तो जीरो को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो जीरो ही आएगा ना सर, क्लियर है। सर डाउट इसमें नहीं सर, थोड़ा इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैंने क्या आप लोगों को बुक ऑफर दिया है, बुक एक्सेल की बुक? नहीं सर, बुक नहीं है। ओके, एरे फॉर्मूला का मैंने आपको मेल किया था, उसमें बुक था। तेरा ना बुक नहीं तो बीवी है क्या? सर प्रैक्टिस के लिए कोई वो बना है आपके पास फॉर्मेट जिसमें प्रैक्टिस कर सके थोड़ा? क्या चीज की प्रैक्टिस, एरे की? ये एरे हो चाहे और भी फॉर्मूले, एरे एरे की प्रैक्टिस की सीट है मेरे पास। जैसे मैंने इफ का दिया था, मैंने आपको का दिया था, डेट एंड टाइम का दिया था, ऐसे एरे का भी है। लेकिन पहले आप उस एरे को जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना। ये बुक डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक मिनट की, मैं आप लोगों को बुक फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक बुक आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इस बुक को जो मैं आपको भेज रहा हूँ, इस बुक के 14वें नंबर चैप्टर पे आपको एरे फॉर्मूला, राइट सर। मेरी मेल आईडी डाल दो, मनु राव है। डाल तो दिया आपको, मनोज राव है ना? मनोज राव है सर, मनु राव वाले हैं। ये आपकी मेल आईडी नहीं है? नहीं, मनु MANNU है। लीजिए मेरा सब इसी भेजता रहा आपको। नहीं सर, इसी पे आता है, MANNU RAO।
R A O. हाँ जी, 0123 0123 हाँ जी, अब ठीक है। ये बुक मैंने आपको भेज दिया है, इस बुक का एरे का चैप्टर है, 15 नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर पे आप देखिएगा, क्योंकि क्लासेस में उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं फॉलो करूंगा, तो प्लीज उस बुक को आप लेकर स्टडी कर लीजिएगा। और एरे का वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, मैंने भेजा था। सर वो जो शीट था ना वो भी भेज दीजिए आज, ये फाइल जो थी वो जो आज भेजता हूं।